वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कल हम तारीख़ के माखज़ सबक पढ़ रहे थे और तारीख़ के माखज़ में हमने तीन माखज़ देखे थे, एक तबई, तहरीरी और एक ज़बानी। और तबई तहरीर के माखज़ को हमने कल अच्छे से पढ़ लिए थे कि तबई यानी मादी माखज़ में किन किन चीज़ों का शुमार होता है, इमारतें, गारे, खुतबे, यादगारें, किले, तांबे की तख्तियाँ, ताम्रपत्र, ये सब हमने तारीख का पहला माखज़ यानी तबई माखज़ पढ़ चुके थे। अब हमको आज हमने ये उस ज़माने के सिक्के भी देखे हुए थे कि हर बादशाह या हर शहंशाह जो भी होता है वो अपने एतबार से क्या करता था, सिक्के बनाता। फिर मकबरे यानी जो भी इंतकाल हो जाता था तो उनके याद में वो मकबरे यानी कब्रें बनाई जाती थी, तो उनको क्या कहते हैं, मकबरे। तो हमने देखे थे यहाँ पर मकबरों के बाद हमको देखना है कि तहरीरी माखज़, हमको क्या देखना है, तहरीरी माखज़। तहरीरी यानी जैसे मैंने कल हमने बताया था कि कोई भी किताब जो तहरीरी शक्ल में होती है जिसे हम पढ़ सकते हैं उसे तहरीरी माखज़ कहते हैं। अहद वस्ता के देवनागिरी, देवनागिरी का मतलब होता है, कोई देव का गिरना नहीं होता, देवनागिरी का मतलब होता है मराठी ज़बान। कौन सी ज़बान होती है, मराठी ज़बान। अरबी, फ़ारसी, उर्दू, मोड़ी जैसे रस्मुलख़त ज़बान के मुख्तलिफ़ शक्लों में, यानी अब यहाँ पर तहरीरी माखज़ में एक मराठी ज़बान, अरबी ज़बान, फ़ारसी, मोड़ी, रस्मुलख़त यानी राइटिंग जो भी लिखा हुआ रहता है, ज़बान के मुख्तलिफ़ शक्लों में भोजपत्रों पर, पोतियों पर, मज़हबी किताबों, ग्रंथों, शाही फरमान, सवाने और तस्वीरों की मदद से हमें इस अहद के अहम तारीखी वाक़ियात की मालूमात मिलती है। यानी उस ज़माने के जो भी पहले किताबें नहीं थी, लोग पत्र पे लिखते थे। तुमने वो अकबर बिरबल वगैरह के देखे होंगे, किस तरह फरमान नामे आते थे, गोल, ऊपर से डंडे, नीचे से डंडे, बीच में कपड़ा, उस पर लिखा हुआ रहता है। तो इनके बारे में हमको जो भी पढ़ते थे उस वक्त के, तो उन लोगों के बारे में हमें पता चलता था। अब हमको ये देखना है, यहाँ पर एक शक्ल दी हुई, डायग्राम दिया हुआ है कि इन तमाम अशिया को तारीख के तहरीरी माखज़ कहते। देखो, ख़त व खिताबात व मुरसिलात यानी जो भी लेटर वगैरह होते हैं, पहले तो मोबाइल नहीं था तो लेटर वगैरह से ही काम, ख़तों से काम चलते थे, शजरे। उसके बाद शाही दरबार के रोज़मर्रा के काम की दस्तावेज़ जो ऑफिशियल वर्क होता है उसके बारे में, तस्करे तवारीख यानी तारीख के तस्करे, गैर मुल्की सयाहों के सफ़रनामे, जो लोग बाहर से अपने हिंदुस्तान में आते थे या हिंदुस्तान के लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते थे वो सफ़रनामे लिखते थे, यानी मेरे यादगार सफ़र या सफ़र के बारे में उनके साथ क्या क्या हुआ वो लिखते थे। ग्रंथ सवाने यानी ग्रंथ हिंदुओं के, जैसे हमारे अब यहाँ पर इस्लाम में है, हम अपने सहाबियों के बारे में वगैरह हदीस की किताबें कुरान में पढ़ते हैं, तो उसी तरह हिंदुओं के, गैर मुस्लिमों के ग्रंथ रहते हैं। शाही फरमान नामे फैसले, जैसे हमारे नोटिस वगैरह आती है गवर्नमेंट के, वैसे उस वक्त बादशाहों का राज था तो शाही फरमान नामे आते थे। अब हमको देखना, अहद वस्ता में गैर मुल्की सयाह भारत आ गए, यानी जो हिंदुस्तान के लोग नहीं थे वो भारत में कैसे आए, उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपने सफ़रनामे तहरीर किए, जो उन्हें सफ़र में जो भी उनके साथ हुआ उनको लिखा है। इन सयाहों में अल बैरूनी एक है, अल बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस मंचुई वगैरह शामिल है। अब जो लोग आए थे, अल बैरूनी, इब्न बतूता और निकोलस मनुची वगैरह शामिल है। बाबर की सवाने एक है, बाबर बादशाह भारत में आए, बाबर की सवाने, कुई परमानंद की संस्कृत जबान में तहरीर कुर्दा, शिवाजी की सवाने उम्री, यानी जो बचपन से बड़ा हो गए, इंतकाल हो गए, उन क्या काम किए, से सवाने कहते हैं। श्री शिव भारत यानी भारत का शिव, इस तरह मुख्तलिफ हुक्मरानों की सवाने और उनकी मरासिलत और ख़त व खितबात के मुताले से हमें उनकी हुकूमती पॉलिसियों, नज़म व नुक्स और सियासी ताल्लुकात का इल्म होता है। जो भारत में आए, भारत के लोग, भारत में गैर मुल्की लोग, उसके बाद भारत के बादशाहों के बारे में उन्होंने क्या किया, किस तरह नज़म व नुक्स को संभाला। तुमने तो पाँचवें में शिवाजी महाराज की तारीख पढ़े होंगे तो उसमें तुमको ये सब मिला होगा। अब तवारीख या तारीख के मानी, अब तारीख का मतलब, तवारीख यानी बहुत सारे तारीख को मिलके तवारीख होता है। अब तारीख के मानी होती है वाक़ियात की तरतीब,
यानी किस वाक्य में क्या चीज़ हुई थी, उसके बाद क्या हुई, उसके बाद क्या हुई। जैसे तुम्हारा बचपन, पैदा हुए कैसे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, उसके बाद स्कूल आए, स्कूल के बाद अब तुम कॉलेज जाओगे, जो भी। तो ये तुम्हारी ज़िंदगी के तरतीब और मरहले हैं जो बदलते जाएंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे, बचपन नहीं रहता एक जैसा। अल बैरूनी ज़ियाउद्दीन बरनी, यहाँ पर देखो, अल बैरूनी ज़ियाउद्दीन बरनी मौलाना अहमद युहैया बिन अहमद, दूसरा ये मौलाना अहमद युहैया बिन अहमद, तीसरे है मिर्ज़ा हैदर भीम सेन सक्सेना वगैरह की तहरीर करदा तवारीख हमें दस्तियाब है। इन लोगों की जो किताबें उन्होंने लिखे हैं हमारे सामने है। अब है बखर, दरअसल अरबी लफ्ज़ ख़बर की बिगड़ी हुई शक्ल है। बखर यानी क्या, अरबी लफ्ज़ है ख़बर, ख़बर यानी कोई चीज़ के में मालूम। बखर महाराष्ट्र में वजूद में आने वाली तारीख नवेसी की एक किस्म है। महाराष्ट्र में तारीख किसकी आई, शिवाजी महाराज के जरिए, तो उस तरह की तारीख को हम देखेंगे। बखर के ज़रिए हमें उस ज़माने के सियासी इनकलाबात, सियासी पॉलिटिकल जो भी इनकलाब, जो भी तब्दीलियाँ आई, ज़बान, सकाफती ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी कैसे थे, कपड़े पहनते थे, क्या त्यौहार मनाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, समाजी हालात, उस वक्त के हालात कैसे थे, लोग कितने समाज में बैठ, समाज में कितने तबकात थे, एक दूसरे के साथ छूतछात वाली ज़िंदगी बसर करते थे, अपने को आला, दूसरों को कमज़ोर, इस तरह के हालात उस ज़माने में थे, समझने में मदद मिलती। मराठी के ज़्यादातर बखर, बखर यानी क्या मैंने बोली थी, खबर से बना हुआ, मराठी के ज़्यादातर बखर चुके वाक़ियात के गुजर जाने के बहुत अरसे बाद लिखे गए थे, एंड जो भी वाक्य चला गया, जैसे मैंने बोली तुम पैदा हुए तो किस घड़ी में पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, क्या टाइम था, तब उस वक्त तुम कितने छोटे थे, अब तुम, फिर तुम्हारा बचपन कैसे चला गया, अब तुम बड़े कैसे हो गए, तो ये वाक़ियात हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब हमको देखेंगे कि जिस वक्त गुजर गया बखर में तब्दीलियाँ होते गए, इसलिए हमें अक्सर सुनी सुनाई मालूमात पर जोर दिया गया। हमने तो उस ज़माने में कोई चीज़ें देखी नहीं, हम जो सुन रहे हैं मेरे ज़रिए से, अब तुम सुन रहे हैं वो बातें, तुम पर उस पर तुम अमल करेंगे। सभासद बखर, महकावती बखर, एक सभासद होता है, एक सभासद बखर होती है, एक महकावती बखर, 91 नुकाती बखर, ऐसे नुकात पॉइंट्स जिसमें 91 है, चिटनिस की बखर, भाव साहब की बखर, खरडिया की लड़ाई की बखर, बखर यानी खबर, उस दिन ज़माने की हमको मालूमात, जैसे अहम बखरे थी, इस ज़माने में रॉबर्ट आर्म एम सी स्प्रिंगल और ग्रांड डफ जैसे मासर मगरबी मौखरीन की किताबें हमारे सामने मौजूद है। ये तो हमारा हो गया तहरीरी, अब हमको देखना है कि ज़बानी माखज। अवामी रिवायत में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले चक्की के गीत, जब भी पहले ज़माने में चक्की पीसते थे तो उस वक्त गीत गाते थे, लोक गीत यानी कोई भी त्यौहार हो उस वक्त जो गीत गाने होते, पुआड़े, कहानियाँ, दंत कथा, रिवायती हकायत यानी हकीकत पर मबनी जो भी रिवायत चली गई हो, जैसे आप बीती वगैरह होती वगैरह के ज़रिए हमें अवामी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। अब अवामी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, जैसे हमारा इस्लाम है, इस्लाम में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देखे नहीं है, लेकिन उनके बातों पर, उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी बोले हैं ज़बानी तौर पर वो सब हदीस में बयां किया गया और हदीस को तहरीरी शक्ल दी गई है, तो हम उनकी ज़िंदगी की नकल करते हैं, हम उनकी ज़िंदगी को अपनाते हैं, उनके